नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में एज प्रॉब्लम से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसके पहले एज प्रॉब्लम से संबंधित एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। देखिए, इस वीडियो का यदि आपको समझना अर्थात एज प्रॉब्लम को यदि आपको समझना है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझना जरूरी है। यदि आप उसको नहीं देखे तो आप पहले उसको देख लें, तब आपका ये बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम उसी को आगे बढ़ाते हैं जहां पर पहले पार्ट में हमने छोड़ा था। तो एज प्रॉब्लम का जो पहला वीडियो था जहां से हम रुके थे, वहीं से हम सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल उसी तरह का करेंगे, फिर अलग टाइप के सवाल को इसी वीडियो में मैं कराऊंगा। तो चलिए, सवाल है पहला, कहता है रीना है और मीना है। कहता उसके आयु के बीच 3:1 का अनुपात है। आदि 10 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष बाद रीना की आयु, 10 वर्ष बाद प्लस 10 रीना की आयु मीना की दुगुनी हो जाएगी। क्लियर? अर्थात दोनों में ना 10 जुटा भैया, दोनों में प्लस 10 हुआ। कहता है तो 5 वर्ष पहले दोनों के आयु का अनुपात क्या था। भाई पहले अनुपात तो निकाल लीजिए, नहीं पहले आयु तो निकाल लीजिए, तब तो अनुपात निकल जाएगा। तो आयु कैसे निकालते हैं, यानी 3:1 2:2 अनुपातिक अंतर 3 / 2 कितने का 1 का। अब 10 × 20 10 × 20 और 10 × 10 तो यानी कितने का अंतर आपका 10 का। ये 2 और 1 के बीच 10 का, 2 और 1 के बीच 1 का अंतर, तो 1 = 10 आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अब तो 1 = 10 तो 3 = कितना 30, 1 = 10 और 3 = 30। कहते हैं 5 साल पहले, भैया 5 साल पहले 25 साल का था और ये 5 साल का था, तो 25 25 5:5 क्या होगा 1। आप ऑप्शन बी में ठीक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला दूसरा नंबर जो सवाल है, कहता है एक दूसरा नंबर सवाल कि एक पिता की आयु अपने बेटी की आयु की तिगुनी है। फादर है और सन है। कहता है एक सन है तो फादर 3 है और 15 साल बाद सिर्फ दुगुनी होगी। इसका तो यही है वाना, दोनों में क्या किया गया 15 जोड़ा गया या 1 तो या क्या 2। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, इसका वैल्यू निकाला है। कैसे निकालेंगे, 3:3 2:2 अनुपातिक अंतर 1 का, और ये 2 और 1 के बीच कितने का अंतर 1 का, 1 × 15 तो 15, अर्थात अनुपातिक 1 के लिए 15, 1 के लिए कितना 15, मैंने 5 सेकंड आप सॉल्व कीजिए, ऑप्शन ए में ठीक लगाइए। क्लियर है? अगला है सवाल 3 नंबर, टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है, टॉम है और उसका फादर है। टॉम यदि 1 है तो उसका फादर 2 है, यानी टॉम यदि आधा है तो पिता क्या है दुगुना है, और 10 साल पहले वो अपने पिता की उम्र का 1/3 था। 10 साल पहले की बात हो रही है, पिता 3 था या 1 था, 1/3 होने का अर्थ क्या हुआ, यानी पिता पर बात फोकस है, पिता की उम्र का 1/3 था, यानी पिता हर था, ये क्या था अंश। कब, 10 साल पहले, अर्थात 10 दोनों में क्या किया गया घटाया गया। कैसे निकालेंगे, 2:2 3:3 अनुपातिक अंतर कितने का 1 का, और 1 = 3 और 1 के बीच कितने का 2 का, तो 10 × 20 आप 10 + 30 = 10 बोलिए, 30 + 10 = 20 बोलिए, लेकिन हम इससे भी शॉर्ट कर दिया, 3 और 1 के बीच 2 का अंतर और 2 × 20 तो 1 = 20, यानी टॉम 20 साल का, उसका फादर कितने साल का 40 साल का। क्लियर? तो कहता है कि आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी। अरे भैया अभी 40 साल का है, 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो 45 साल का हो जाएगा। आप 45 में क्या करेंगे ठीक लगा। कहता है 5 वर्ष बाद मयंक की आयु पिता की आयु की 3/5 होगी। मयंक है और उसका फादर है। अब पिता की आयु का 3/5 अर्थात हर कहां पर होगा, पिता पर, और मयंक क्या होगा 3, अर्थात मयंक और फादर का अनुपात 3:5 होगा। पीछे हम ये चर्चा कर चुके हैं। कहता है ये 5 वर्ष बाद का जो है, ध्यान रखिएगा, ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है। और फिर कहता है 5 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 2:5 था। 2:5 था कब, 5 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ इस अनुपात और इस अनुपात में, ये अनुपात 5 वर्ष पहले का है और ये 5 वर्ष बाद का है और ये 5 वर्ष पहले का है, तो कितने का अंतर 10 का अंतर, यानी इसमें जब ये 10 घटाया गया होगा तब यह अनुपात हुआ होगा, यानी -10 -10। अब हल करने के लिए जाते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 15 और 10 में घटेगा 15 में 10 तो 5 होगा, अर्थात अनुपातिक 5 के लिए कितना,
हम क्या सीखा है, दो और तीन पांच का अंतर कितना, तीन, दस या तीस सीधा बोलिए, या आप दस दूनी बीस और दस पचे पचास का अंतर तीस बोलिए। तो भैया अनुपातिक पांच के लिए कितना तीस, तो एक के लिए कितना छ, एक के लिए छ, तो तीन के लिए कितना अठारह, और पांच के लिए कितना तीस। आपको पूछा है मयंक की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए ये पांच साल बाद होगा अठारह, तो वर्तमान में कितना तेरह, और आप तेरह में टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल है वर्तमान में माया है और छाया है, सी से छाया, अनुपात है छ अनुपात पांच का वर्तमान में, और अब से पंद्रह साल बाद, पंद्रह जब दोनों में जुटेगा तब अनुपात और नौ अनुपात क्या होगा आठ। एकदम इजी सवाल है, तो अच्छा के अड़तालीस, नौ पचे पैतालीस, अड़तालीस और पैतालीस के बीच कितने का अंतर, तीन का, अर्थात अनुपातिक तीन के लिए नौ और आठ के बीच कितने का अंतर, एक का, एक गुना पंद्रह तो पंद्रह, तो तीन के लिए पंद्रह, तो एक के लिए कितना पांच, तो पूछा है माया की यानी छ बराबर कितना, छ पंचे कितना तीस, आप ठीक लगाएंगे, ऑप्शन बी में ठीक लगाएंगे, क्लियर है। चलिए बढ़ते चलिए, और सवाल है छठा नंबर, कहता है क्या कि प्रियम प्रीतम से नौ साल छोटा है, प्रियम है, प्रियम है और प्रीतम है, क्या कहता है, प्रियम प्रीतम से नौ साल छोटा, इससे माइनस नौ है। फिर कहता है पांच साल बाद प्रियम की चार गुनी आयु प्रीतम की तीन गुनी आयु के बराबर होगी। अब जरा देखिए दूसरा लाइन पर आइए, कहता है पांच साल पहले, पांच साल पहले, ठीक है पांच साल पहले की ही बात करें, पांच साल पहले की ही बात करें, कहता है क्या प्रियम का चार गुना यानी प्रियम का चार गुना वह जो है प्रीतम का, प्रीतम का तिगुना के क्या है बराबर है, तिगुना के बराबर है, इसका तो प्रियम अनुपात प्रीतम कितना, तो भैया प्रियम आदि तीन तो प्रीतम कितना चार, यानी प्रियम और प्रीतम का अनुपात तीन अनुपात चार हो गया। कब, पांच साल पहले यह अनुपात था, कंफ्यूजन का कोई स्थान नहीं। और दूसरा चीज आप जानते हैं वर्तमान में यदि इन दोनों के बीच नौ साल का अंतर है उम्र में, तो भैया पांच साल पहले भी तो नौ साल का ही अंतर था ना, पांच साल के बाद नौवे साल का अंतर होगा, मैंने उसका जो डिफरेंस होगा सब दिन क्या होगा समान होगा। तो भैया यहाँ पर अनुपातिक अंतर कितने का, एक का, वास्तविक अंतर कितने का नौ का, तो एक बराबर नौ, तीन बराबर सत्ताईस और चार बराबर कितना छत्तीस। लेकिन आपको बोला है कि प्रियम की वर्तमान उम्र बताइए, ये पांच साल पहलुकवा है प्रियम सत्ताईस साल का, पांच साल पहले का अनुपात था ये पांच साल पहले का निकला, तो भैया कितना साल का प्रियम सत्ताईस साल का, पांच साल पहले सत्ताईस साल का, तो अभी कितना सत्ताईस प्लस पांच बराबर बत्तीस बोलेंगे और जवाब देंगे, क्लियर है। चलिए यदि आप यह प्रश्न समझ गए तो चलिए अगले सवाल को देखें। कहता जब माँ की आयु तैतालीस वर्ष थी, माँ जब तैतालीस साल की थी तो माँ और पुत्र की आयु में इक्कीस वर्ष का अंतर था। देखिए मदर है माँ और पुत्र है, देखिए माँ जब तैतालीस साल की थी तब माँ और पुत्र की आयु में इक्कीस साल का अंतर था, तो जब इसमें इक्कीस घटाएंगे तो कितने साल होगा, यानी पुत्र जो था बाईस साल का था। अब फिर कहता है यदि पिता माँ से तीन वर्ष बड़ा है, यानी पिता जो है कितने वर्ष का उस समय होगा छियालीस साल का, तो कहता है तो जब पिता की आयु पचास साल होगी, बढ़ाते जा रहे हैं, पिता की आयु पचास साल कब होगा, चार साल के बाद, चार साल के बाद या पचास होगा, इसमें भी चार जुटेगा, इसमें भी चार जुटेगा, क्लियर। तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा, अरे फंसा दिया, अभी अंतर बोलो या उस समय बोलो वही रहेगा, तो छियालीस घटो बाईस करो या पचास घटो छब्बीस करो, अंतर चौबीस का ही रहेगा, यानी डी में हम क्या करेंगे ठीक लगाएंगे और जवाब देंगे, क्लियर है। चलिए अगला सवाल आइए, सवाल है कि पांच वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु पंद्रह साल है। देखिए मैं क्लियर कर देता हूं यहीं पर, एवरेज चैप्टर को लेकर चलेंगे एकदम आसान तरीके से, चुटकी में प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहां भी आपको उस तरह का बताते हैं, कहते पांच साल पहले पी और क्यू की औसत आयु पंद्रह साल थी, पी और क्यू का औसत जो है पंद्रह साल था, कब, पांच साल पहले, ये मैं पांच साल पहले इधर लिखता हूं पहले। कहता है कि आर की औसत, पी क्यू और आर की औसत आयु कितनी साल है, 20 साल है। देखिए पी क्यू और आर की औसत आयु 20 साल है, क्लियर। 10 वर्ष बाद आर की आयु कितनी होगी,
पहला चीज आप ये समझ लीजिए, पांच साल पहले आदि पी और क्यू का औसत 15 साल था। मैं लॉन्ग मेथड में थोड़ा आपको क्लियर कर दूं, औसत क्या होता है, दोनों का योग का मतलब दी गई कुल संख्या का योगफल बटा दी गई कुल संख्या, क्लियर। तो यहां पी और क्यू का योग आप मानिए पी और क्यू ही था, और उसमें 2 से भागा देकर 15, अर्थात पी और क्यू का योग कितना, 15 × 2 = 30। कब, 5 साल पहले। तो अभी वर्तमान उसका योग कितना, 35 मत बोलिएगा, काहे, क्योंकि भैया पीओ 5 साल बड़ा होगा, क्यू भी 5 साल बड़ा होगा, तो योग कितना हो जाएगा अभी वर्तमान में, 40, क्लियर है। तो मैं क्या कहता हूं, 5 साल पहले यदि एवरेज 15 था, तो अभी उसका एवरेज क्या है, 20 है, सीधा धन में। अभी पी और क्यू का एवरेज कितना है, 20 होगा, तो योग कितना होगा, 20 × 40। और तुम कहते हो पीयू क्यू आर, पी क्यू आर का अभी वर्तमान एवरेज क्या है, आपका कहता है कि पी क्यू आर का वर्तमान एवरेज 20 साल है न। भैया पी क्यू का भी 20 साल है, इसका अर्थ आर का उम्र कितना है, 20 साल है। क्या है, पी और क्यू का, पी और क्यू का योग, मैं तीनों का योग कितने बराबर, ये एवरेज 20 है तो तीनों का योग 60, और 60 में पी प्लस क्यू का योग 40 घटा देंगे, तो भैया आर का ना 20 साल बचेगा, यानी आर का उम्र कितना है, 20 साल है। कहता 10 साल के बाद आर की आयु कितनी होगी, तो 20 + 10 = 30 साल में क्या करेंगे, टीक लगाएंगे, क्लियर। दूसरा मैं जो अभी थोड़ा सा एक डेमो दे देता हूं, हम विशेष रूप से आपको समझाते हुए एवरेज चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, दो आदमी था पी और क्यू, उसका एवरेज वर्तमान में 20 साल है, क्योंकि 5 साल पहले यदि 15 तो अभी 20 साल है। कहता आर की भी एंट्री हो गई, आर की भी एंट्री हो गई, तो एवरेज 20 रहा, ना घटा ना बढ़ा, इसका आर से कितने साल का है, 20 साल का ही है, और 10 साल के बाद क्या होगा, 30। यानी मानसिक क्रियाकलाप करते हुए प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। अगला है नव्या और काव्या की आयु का योग, नव्या है काव्या है कि आयु का योग, इन दोनों का योग जो है 35 साल है, ठीक है 35 है, मैं बगल में लिख देता हूं, और उसकी आयु का गुणनफल, गुणनफल जो है 300 है, क्लियर है। तो एक वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी, देखिए इस तरह का प्रश्न देखिए बनाने का, लॉन्ग मेथड में जाएंगे, एक्स और वाई मानेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 35, एक्स वाई बराबर 300, फिर समीकरण को क्रिएट करेंगे। लेकिन जरा आप सोचिए, आप ये सोचिए 35 को ऐसे दो भाग में तोड़िए, तो एक भाग तो आपका योग में, योग में ही होना चाहिए, वो 5 रहेगा, क्या है, तब ना 5 जो है किसी के साथ, या तो सुन्ना के साथ या तो 2 के साथ मिलकर क्या होगा, सुन्ना इकाई बनाएगा, क्योंकि उसका गुणनफल 300 है, तो 5 रहेगा, तो या तो 30 + 5 होगा, या तो 25 + 10 होगा, नहीं, या तो आपका 20 + 15 होगा, का इधर इकाई है, या तो 5 या तो सुन्ना मैं रखूंगा, क्लियर है। तो भैया 30 × 5 150 होता है, 25 × 10 250 होता है, अब 20 × 15 कितना होता है, 300, अर्थात हम कहेंगे उनकी आयु कर्म से 20 और 15 साल है, लेकिन आपको पूछा है 1 साल बाद आयु क्या होगी, तो 21 और 16 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। दूसरा आदि कहीं कंफ्यूजन है तो हम विकल्प के माध्यम से भी क्लियर करते हुए बना सकते हैं, जैसे ऑप्शन ए है 20 और 16, तो भैया 1 साल के बाद ना 20 और 16 है, तो अभी कितना, 19 और 15, 19 और 15 का योग जो है ना 35 है ना 300 है, ना योग 35 है ना गुणनफल 300 है। दूसरा ऑप्शन 21 और 16 है, तो भैया 1 साल के बाद यह है, तो अभी कितना 20 और 15, तो देखते हैं योग भी 35 और गुणनफल भी 300, हम जो है ऑप्शन बी में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, या आपने विकल्प की सहायता से बनाया। आइए अगले सवाल को देखें, 10 नंबर सवाल है, कहता राम और राम है और मोहन की उम्र में 4:5:5 है, एवं राम तथा अनिल की उम्र में, राम है और मोहन है और राम है और अनिल है, इधर है लिख दिए, का अनुपात जो है 5:5 क्या है, 6 है। तो भैया टोटल अनुपात निकालने के लिए जानते हैं कि नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन में तो आपको सिखाए हैं, 4 और 5 को इक्वल करेंगे, एलसीएम लेंगे 20 होगा, तो 4 × 5 = 20 किया तो 25 आपको करना पड़ेगा, या 5 × 20 किया तो 6 × 24 करना पड़ेगा, अर्थात ए अनुपात आर अनुपात एम क्या निकल गया, आपका निकल गया, कहते उनके उम्रों का योग 69 है, तो अनुपातिक योग कितना है, तो 20, 25, 45 और 24 अनुपातिक योग भी 69 है, तो भैया अनुपातिक योग भी 69, वास्तविक योग भी 69,
तो 69 = 69, तो 1 = 1, 24 = 24, 20 = 20 और 25 = 25। तो कहता है राम की उम्र क्या है, यानी राम की उम्र कितनी है, 20 साल आप ठीक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल है आपका 11 नंबर। कहता है 10 वर्ष में एक ही उम्र, देखिए 10 वर्ष में मैंने 10 वर्ष में मैंने 10 वर्ष बीतेगा तब एक ही उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र की दुगुनी हो। कंफ्यूजन ना रखिएगा, 10 साल पहले बी की उम्र से दुगुनी होगी, 10 वर्ष में एक ही उम्र। और कहता है यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, हो गया बन गया, ए है भैया और बी है, कहते ए बी से 9 साल छोटा है, यानी यह एक्स है या एक्स प्लस 9 है। पॉइंट क्लियर, ए जो है बी से 9 साल छोटा है, इसका अर्थ इससे 9 साल या बड़ा है, या एक्स है या एक्स प्लस 9 है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। और कहता 10 वर्ष में एक ही उम्र, मतलब कि एक ही उम्र में जब 10 जोड़ेंगे, मतलब 10 साल के बाद जो ए का उम्र होगा वह 10 साल पहले जो ए का उम्र था, भैया ए का उम्र 10 साल पहले था, एक्स प्लस 9 घटाओ 10, 10 साल बाद ए का उम्र में 10 जोड़ा और 10 साल पहले ए बी का उम्र एक्स प्लस 9 घटाओ 10, जो जो प्रश्न अनुसार कर रहे हैं। तो कहता है कि दुगुनी होगी 10 वर्ष में एक ही उम्र, 10 साल पहले के बी की उम्र की दुगुनी होगी, भैया इसको जो है इसका दुगुना ही है, तो गुना इसमें 2 करेंगे तब ना समीकरण बराबर। मानिए ये 20 साल का, ये 10 साल का है, समीकरण बड़ा करना है, इससे दुगुना ये है, तो गुना 2 इसमें करेंगे तब ना समीकरण बराबर होगा। वही चीज इसका दुगुना ही होगा, तो गुना 2 इसमें कीजिएगा तब क्या हुआ, समीकरण बराबर हुआ। अब हल कीजिए, एक्स प्लस 10 बराबर एक्स प्लस 9 घटाओ 10, यानी एक्स माइनस कितना 1, एक्स माइनस कितना 1 और गुना 2, बाहर में 2 है, ब्रैकेट है ये में, तो गलती मत कर जाइएगा। एक्स प्लस 10 बराबर 2x - 2, तो भैया ये x इधर आया तो 2x घटाओ x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर ये -2 इधर आया तो 10 * 2 = 12 हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकला, 12 निकला। अर्थात कहता b की वर्तमान आयु कितनी है, तो a x का वैल्यू है 12 साल, b है x प्लस 9, अर्थात 12 + 9 कितना होगा 21 में आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे और जवाब देंगे, यानी आपका सही उत्तर 11 का होगा, ऑप्शन ए टिक लगाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखिए। कहता है बेहतर सवाल है, कहता है कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था। देखिए कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था, ठीक है याद रखते हैं। आज उसकी आयु, उसके विवाह की समय की आयु की, देखिए आज वर्तमान में, आज वर्तमान में अब विवाह के समय हम यहां लिखे कमला का ही बात हुआ है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 6 साल का अंतर है, ठीक है। कहता है कि आज उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु की 1 × 1/4 है, अर्थात 5/4 है, अर्थात विवाह के समय यदि 4 था तभी कितना है, 5 है। आज उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु की 1 × 1/4, तो 4 × 4 = 1, 5/4 है, तो हर यहां पर लिखेंगे आंसर यहां पर लिखेंगे। पॉइंट क्लियर, अब देखिए तुरंत हम बनाते हैं ये वास्तविक अंतर 6 है और अनुपातिक अंतर कितना है 1, 4 और 5 के बीच 1 का अंतर, तो 1 के लिए 6 तो 4 के लिए 24, 5 के लिए कितना 30, अर्थात कमला का विवाह जिस समय हुआ था 24 साल की थी, आज वह 30 साल की है। कहते उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु की 1/10 गुनी है, यानी 30 का 1/10 गुना, यानी पुत्र कितने साल का है, 3 साल का है, पुत्र कितने साल का है, 3 साल का। कहते 5 साल के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, भैया अभी 3 साल का है, 5 साल के बाद 8 साल का हो जाएगा, हम 8 में टिक लगाएंगे, 3 में नहीं लगा देंगे। क्लियर है, चलिए 13 नंबर सवाल है। कहता इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु, अशोक है प्रदीप है, आयु का अनुपात क्या है, 4:3 है, 6 वर्ष के बाद अशोक की आयु 26 हो जाएगी। देखिए कितना इजी सवाल है, 6 वर्ष के बाद अशोक आदि 26 हो जाएगा, 6 साल के बाद, तो अभी कितने साल का, 26 घटाओ 26 साल का नहीं, आप 6 साल के बाद 26 होंगे तो अभी कितना, 20 साल के हैं, तो 4 = 20, तो 4 × 5 = 20, तो 3 × 5 = 15, यानी प्रदीप अभी कितने साल का है, 15 साल का है, ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे। ज्यादा कोई प्रश्न जान था नहीं, चलिए अगला है। श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु की दुगुनी है, एक्स है उसका डॉक्टर है, एक्स है उसका डॉक्टर है, या 1 तो या 2 है, नहीं
एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु की दुगुनी है, यानी या एक तो या कितना दो, और कहता है पुत्री की वर्तमान आयु 20 साल है, भैया एक बराबर आदि 20 तो दो बराबर कितना 40, कहता कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु की दुगुनी थी, यानी 40/20 में क्या घटाएं जो या 3/1 हो जाए। देखिए ऑप्शन है 15, 12, 10 और 8, 15, 12, 10 और 8 विकल्प को लेकर बनाएंगे तो हम तो सीधा देखते हैं 40 घटाओ 10 30 और 20 घटाओ 10 कितना 10, यानी 30/10 3:1 में होता है, अर्थात 10 में क्या करेंगे टिक लगाएंगे। क्लियर है? अगला सवाल है, सवाल है अगला, कहता जय जय है और जोय है के उम्र का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का योग कितना है 63 है, योग जो है अनुपातिक में 7 है और तुम बोलते हो 63, 7 × 63 तो 2 × 18 और 9, 2 × 18 और 5 × 45। क्लियर? तो अब कहता है कि 9 साल बाद, तो ये 9 साल के बाद 54 हो जाएगा और ये 9 साल बाद 27 हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा 27 × 2 अर्थात 2:1 का अनुपात हो जाएगा, आप 2:1 में क्या करेंगे टिक लगाएंगे। तो हम इस टॉपिक को, आज का वीडियो को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं, हम जो अगला एक और पार्ट लेकर आएंगे तो कुछ अलग अलग सवाल फिर हम लेकर आपके पास कराएंगे और प्रैक्टिस आपको करा देंगे। ध्यान रखिएगा ये जितना भी सवाल है वह आपको रेलवे में पूछा गया सवाल है, उसी के संग्रह को लेकर हम आपका डिस्कशन करा रहे हैं। क्लियर? तो आप अगले वीडियो में मैं अलग टाइप के सवाल को लेकर आपका मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।